Instagram influencers. There are a dozen different videos that can be made about the various grifts, outright scams, predatory, manipulative... Kim Kardashian, crude hospitality. Now accepting for table reservations. Otherwise, insane ongoings with people that fall into that group. But today, we're going to focus on a specific one. The degeneracy of Instagram models. Not this one, please. In particular, the really attractive ones you see posing next to yachts, in five-star hotels, next to infinity pools in the sky, flaunting expensive jewelry and designer clothes, traveling the globe. I think it's as simple as adding 2 + 2. जितने लोग भी देख रहे हैं आपके दिमाग में चीज आया ही होगा. आपने सिंपल सी चीज सोची होगी कि भाई मेरी जिंदगी में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं. मेरे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ. कभी मेरे लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरी जिंदगी है द फिनोमिनॉन दैट आई कॉल लिविंग और उसका कोई कनेक्शन उसका दूर दूर से कभी कोई अपॉर्चुनिटी तक नहीं आई कि मेरे पास हो कि अरे यार पे ट्रैवल कर सकते हैं. कोई कनेक्शन नहीं मुझे दिखा अपनी जिंदगी में. कोई आज से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भीखी से मिली कि मैं कहूं कि हाँ मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं. ऐसे शायद इन लोगों ने किया होगा ट्रैवल. ये किसी के प्राइवेट बोट में है. इतने सारे एक्सपेंसिव चीजें हैं वो है. तुम एक अपनी नॉर्मल जिंदगी से गुजर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम सिंपल ज़ारा में शॉपिंग कर लेते हो, तुम्हें लगता है अरे हाँ यार आज इतना रुपया खर्चा हो गया यार, 20-30 हज़ार रुपये चले गए, जो भी तुम्हारे वो बहुत बड़ी चीज़ है. ऊपर तुम यहाँ पे देख रहे हो डिजाइनर बैग हैं ये हैं और उनकी लड़कियों की सैलरी कह रहा हूँ एज है 20 साल. 2 + 2 कर लो. तुम्हारे दिमाग में आता है भाई सिंपल सी बात है ये भी तुम्हारे जैसे घर है वैसे ही वहीं से ही आ रही हैं. इनके पास कौन सी डिग्री है? सिंपल सा प्रश्न पूछो. कौन सा बिजनेस है? या तो कोई भी इंस्टाग्राम मॉडल जिसको तुम देख रहे हो उसका पास बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रही है. वो अपना मतलब फोटो भी डालती रहती है टेढ़ी मेढ़ी बट उसका बहुत सक्सेसफुल कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी है तो तुम कह सकते हो हाँ ठीक है ये रहा सोर्स. आई कैन लिटरली लोकेट द सोर्स जहां से आ रहे हैं उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जिसकी वजह से ये तुम एक बोट रेंट कर सकते हो, तुम वो फोटोज खिंचवा सकते हो, तुम ये सब रेंट कर सकते हो चीजें. लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है उसकी प्रोफाइल में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, उसकी उम्र है 20 साल या 21 साल, ये इंसान यूनिवर्सिटी में भी अगर गया होता तभी तक यूनिवर्सिटी भी खत्म ना हुई होती ना, इसके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसकी वजह से उसको हो सकता है इतनी खतरनाक जॉब लग गई हो किसी बहुत ही टॉप एमएनसी में बहुत ही टॉप लेवल पे जिसकी वजह से इसको लेट्स से सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि जिसकी वजह से वो चीज़ अवेल कर पा रहा है. अगर वो सब चीज़ें हमें नहीं दिख रही तो क्या आंसर हो सकता है? सिंपल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से. कोई इंसान दे रहा है इनको ये सब चीज़ें, यानी कोई 40-50-60 साल का मिलियनेयर इंसान जिसने अपनी जिंदगी भर मेहनत करी है फिर 40-45-35 समथिंग में जाके वो करोड़पति अरबपति बना और लेट्स से उसको है कि भैया हाँ भाई मुझे चाहिए कोई 20 साल की लड़कियां बोट के लिए तो कह रहा भाई हमसे पैसे लो आओ बोट पे तो अपना इंस्टाग्राम में थोड़ा सा डाल लेना. सिंपल सी चीज यही यार. तुम्हारा शुगर डैडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसा दे के सोना लोगों के साथ, ये काम चल रहा है भाई. How did they get old? लाइफ में चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो देखने में दिख रहा है कि अगर तुम्हें कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि भाई इसके पास सिंपल सी बात है 1 लाख रुपए का बैग कहां से आएगा. या तो तुम कह रहे हो मेरे पास जनरेशनल वेल्थ है, तुम्हारे माता पिता अरबपति खरबपति करोड़पति हैं तो तुम्हें पता है चलो ठीक है भाई इस इंसान के पास यहां से आ रहा है, इस इंसान के पास बिजनेस है, दूसरा ही हो गया. अगर नहीं है सब चीजें I'll tell you. जैसे तुम हो वैसे वो है तो उसका प्राइस क्या है? उसकी शक्ल है, उसका बदन हो गया फिर. They had to go through some real shit. Unlike everyone else who toils away day by day at the job they most likely hate for a wage that likely doesn't represent their real value, these models can earn more than the average yearly wage in a single weekend. But what are they doing for that? And why is it that all these models seem to go to the same place? Dubai, ek bahut achhe prashn bhi hai na. Tum ye dekho, tum simple kabhi bhi khol lo Instagram mein dikh raha hai ki ye ladki kahan se aise hotel se kaise travel kar rahi hai. 20 saal ki to hai ye. ये यहां का है, दुबई में का है, ये कौन है, कौन इसको दे रहा है सारा पैसा? सिंपल सा प्रश्न आता है. दुनिया में कोई इंसान किसी को पैसा नहीं देता फ्री में, तो कोई किसी को ही नहीं टला रहा. या तो इंसान कहेगा भैया मेरे साथ रिश्ते में आओ, एक ही ऑप्शन होगा भाई तुम किसी करोड़पति अरबपति को डेट कर रहे हो और उसके डेट के वजह से तुम उसके एसोसिएशन में तुम्हें जो भी चीजें मिल रही हैं एक तो वो हो गया. दूसरा भाई सिंपल यही है तरीका, वरना कहां से? What is it about Dubai that attracts all these young attractive women? And Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex, and I will let Mr. Ali lick the humus off my feet. I will also fuck his virgin brother, who is 13 years old. And Mr. Ali is. So, yeah, we're pedo again, na? To. Pay me $50,000. This was leaked in 2022.
It's a woman agreeing on video as a sort of social... 2+2. ...contract to the terms of an arrangement. The arrangement is not uncommon at all. In fact, this one is tame compared to what you can find online, which includes videos of those encounters. Me saying what you've just heard is tame should let you know what's going on can get real crazy. The general consensus is that models like this make most of their money from brand deals. In reality, many of them are using that. तो उसका भी तुम एक सिंपल सी चीज कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम खोलो और देखो, maybe it's littered with brand deals. And then again, you maybe can वहां से deduce कि हाँ हो सकता है उनको अच्छा खासा पैसा आ रहा है. अगर किसी की लेट्स से है 2 million following और उसका हर तीसरा पोस्ट एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, दे आर अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम ब्रांड्स एज वेल. देन मैं ये कहूंगा, हर चीज में हमेशा उस इन्फ्लुएंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. पहले से हमेशा अपने आप को ब्लैंक करो और देखो कि एक्चुअल एविडेंस कितना है किस चीज का. ब्रांड से भी हो सकता है कोई कमा रहा हो बहुत ज्यादा. दूसरा हो सकता है भाई, कुछ लोग होते हैं जो सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल्स इतना ज्यादा कमा लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है. तुम्हारी कितनी सारी तुम्हारे ट्विच वाली हैं, ये हैं, वो हैं, जिनका कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं कर रहे, बस सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल कर रखा है. भाई सिंपिंग भी तो एक तरी बेहड़ बेहद हद पे हो रही है संसार में, कि आपका सिंप ही है जो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमको सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी आधी सैलरी देने को तैयार हूं. तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ऐसे लोग भी बैठे हैं. तो ये जो एक पॉपुलेशन है जो ये कर रही है दुबई में जाके लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए फिर पैसे के लिए, ये कुल मिला के समाज में हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है, बस आज इनके पास इंस्टाग्राम आ गया है. सोशल मीडिया क्लाउट इज एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग. दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, दे आर द प्रोडक्ट. एंड द बायर is usually a very wealthy man from the Middle East. Dubai is the playground of the ultra wealthy, and what is a good playground without some toys? Where are they going to find them? Enter Instagram. And I wouldn't say just Dubai. I'm pretty sure the France, my Paris mein bhi ho raha hoga, I'm pretty sure Milan mein bhi ho raha hoga, I'm pretty sure London mein bhi ho raha hai, pretty sure Vegas mein bhi ho raha hai. Har jagah ho raha hai yaar ye. Jahan jahan simple supply demand ki baat hai bro. Yeah, I got the watch that matches it. How much is that? This was $450,000 or something. Something. All right, guys. Welcome to my car collection. The fucked up relationship between society and the fake lives of social media stars is always bad. I don't see many positives to it, but it's almost never worse than this. Social media is seen as a window into only the best of a person's life. This gives them the power to shape it how they see fit. Will they shape it using nuance, showing the bad along with the good? Unlikely, because psychologically you crave acceptance and want others to think highly of you. The result, especially when this window is conveyed only with pictures, is that of a perfect existence, which is completely unattainable. Already, हम बात कर चुके हैं. तुमको ये बातें पता भी हैं कि मैंने किताब में भी लिखी हैं, 2018 में लिखी हैं सब बारी बातें पूरी. Wednesday at 4 a.m. when you've ate a bad kebab and are glued to the toilet at both ends with food poisoning doesn't go on the gram. But when you're out at a fancy restaurant eating tiny overpriced meals, get that on there. Now, what about when your entire livelihood is tied to this Instagram profile? You can dial everything up to 11. Photoshop, cosmetic surgery, professional photography equipment, and personnel to operate them, travel as much as possible, essentially make people buy into the idea that your life is out of this world amazing. Now, if you're watching this video, you might be somebody that knows all this and thinks that nobody can fall for it. That's incorrect. It actually has a provable wide-scale impact on people that follow these social media stars. ये सब चीजें तुम्हारे 1980s की सिंपल टीवी पे जिन्होंने रिसर्च करी थी इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे, वहां से उन लोग निकाल चुके थे. टीवी तक पे उन्होंने दिख गया था कि बच्चे जो सीख रहे हैं टीवी पे देखकर, जो माता पिता को नहीं पता है, वो बहुत डेंजरस इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों के बिहेवियर पे, क्योंकि वो कैसे बिहेव करना है, कैसे सेक्सुअली बिहेव करना है, वो सब कुछ टीवी से देख रहे हैं. और उनके उन्होंने दिखाया कि बफर क्या हो सकते हैं. वो हो सकता है कि माता पिता को बात करनी पड़ेगी, माता पिता को कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और माता पिता को बहुत गहरी, स्पेशली माताओं को अगर बेटियों से बात हो रही है तो एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, जहाँ पे वो लोग आदान प्रदान कर सकते हैं विचारों का, क्यूरियोसिटीज का, कन्फ्यूजन्स का. लेट्स लुक एट द मेल डोमिनेटेड सोशल मीडिया. तो सिंपल तुम अगर बात करो एक सुतली बॉम्ब का, जिसको हम टीवी कहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है. Grifts that are in this अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेवल पे आ चुके हैं. The threat is nuclear bomb level threat इस वक्त जो ऑपरेट कर रही है बच्चों के दिमाग में, हम क्या पॉइजन भर रहे हैं. Such as the self-help and guru sphere. Hey you, yeah you sat on YouTube wasting your life watching videos. I used to be just like you, but now look at me. I'm in my Bugatti, I've got 15 girlfriends, and I've got more millions in my bank account than you've got on your World of Warcraft account. Look at my social media, expensive cars, expensive clothes, expensive watches, expensive women.
you can have it all too. Just buy my course for $900. It's on sale right now because of course it is. And it's definitely worth $5,000 usually. But I'm such a nice guy that I'm going to give it to you for $900. This concept, along with the complex psychology of how you would personally use and engage with social media, turns all this into an incredibly effective tool. Generally, you see your friends on social media, you see their lives, you see your own life, and you think what you're seeing is real. But even your real friends are putting up their best life on there. That's not how they're living day to day. For the gurus, for them, it's mostly all fake. The cars are rented, the clothes are rented, the watch is fake, and the women are probably rented as well, at least to start. They are. Out. Later on, maybe they'll become real. That's if they're successful. But usually, as time passes, the charlatans have been outed, moved on, or ran out of money to fake their lifestyle and went back to the job that they hated before. But as you can see from the rise of people like Andrew Tate and the manosphere in general, other men see this and they want to emulate it. The followers buy. I wouldn't say men, but I would say, because what he portrays is the cartoon version of masculinity. Johnny Bravo of masculinity is he portrays. Usme kuch reality nahi hai, usme kuch gambhirta nahi hai, usme kuch gehrai nahi hai. Wo hai cartoon version, ek superhero version of what masculinity is. Cars, ladkiyan, paisa, cocaine. Matlab not cocaine, and they but think like that's actually going to be good for their life and they're going to become wealthy just like their idol that sold it to them. The smart ones make their own course and try to become their idol. And you might be thinking, what does this have to do with Instagram models and this video's topic? Well, for them, it's even worse. Ouroboros, an ancient symbol depicting a serpent eating its own tail. What do I mean by that? Attractive young women post on Instagram, amass followers, show their privileged, extravagant, and seemingly perfect lifestyle to those followers, and then other women, maybe younger than them, see this without knowing exactly how it was procured and following their footsteps. The cycle continues on and on. It's exploitative at every single level. And that isn't to say if you're an attractive woman that has a high follower count on Instagram that you are participating in this behavior. Luckily, there are many such safer and more legit ways to make money from a large following. But if you do see one of these models flaunting their Dubai pictures a few times a year, people should probably know what's going on there. The hashtag and nickname Dubai Porta Potty was trending not so long ago. And yes, it is exactly... People take poopy on you for money? What it sounds like. Let's talk about this Dubai Porta Potty. It's called Portable Potty, like a human potty. Yeah, I understand. Dubai in particular, to engage in a ton of different insane and disgusting acts. Now, while I'm usually one to say whatever two consenting adults do behind closed doors is their business, obviously when you factor in all the elements I've just outlined in this video, things do need to be talked about. Especially when you consider the United Arab Emirates have pretty strict laws when it comes to prostitution, which makes these such arrangements illegal. But considering the wealth and power of those involved, actually incredibly dangerous to engage in on the woman's behalf and not on the man's. These people are above the law, essentially, and you're being flown into a country to do illegal things where if you do something wrong or you don't provide the services which you've been contracted for or things get out of hand, you are the one that has no safety, which is why this all came to a head. There was a leak of a video of a Dubai porta potty happening. The woman in the video unfortunately took her own life after it was posted online, while still in Dubai, jumping from the seventh story of her hotel. There are of course numerous other stories of women just straight going missing. Nobody knows if they're alive or if they've been tricked there under false pretenses and have been forced into the sex industry full time. Just unable to leave. The most common thing that happens though is pay for play. The play here being things that you would only see on some very specific and horrific websites, most of which I can't even say out loud for risk of this video being hidden under the darkest corner of the algorithm, never to see the light of day. But I'm talking about animals doing stuff to you, you doing stuff to animals, animals going in you. Poo. It's not uncommon for that video you saw at the intro to be a factor either. I mean, you're already there performing illegal activities for money anyway, so what's one more illegal activity to go along with it, especially when they're going to give you 50 grand for said activity. Yeah, and then what's the point of 50 grand? If you're in your life, you're back and you're not going to forget that thing. You'll take your money and you'll take your money. You'll know what you're going to do. If you understand one simple thing in your life,
अगर एक इंसान भी जानता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगर चुपचाप जाते हो और वापस आते हो किसी को दुनिया में हवा नहीं लगती। अगर तुम इतने खतरनाक लेवल के ऑपरेट कर रहे हो वो तो सच है नहीं, तुम किसी ना किसी को बताओगे, किसी ना किसी। अगर एक इंसान, एक हो सकता है तुम्हारे साथ जो जा रहा है उसको पता है, अगर एक को पता है तो 100 को पता है। एक सिंपल सा, सिंपल ह्यूमन बिहेवियर का फैमिलियर एक प्रिंसिपल रख लो। एक इंसान को भी अगर कुछ पता है तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा, वो इंसान एक को बताएगा, वो कहेगा मैं एक को बताऊंगा, वो एक को बताऊंगा, वो कर करके 100 लोगों को पता है। तो तुम्हारे जमात में सबको पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या किए हो। सिंपल बात, तुम्हारे ये एक सब कहने की बात होती है। जो चकाचौंध हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में, किसी का बहुत नंबर है तो हमें यहां से जो महसूस हो रहा है कि शायद ये बहुत खुश होगा, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। नंबर क्या है? एक नंबर एक ऐप पे लिखा हुआ है, जब फोन बंद किया वो नंबर गायब हो गया। तुम तो अपने साथ अकेले बैठे हो, ना तुमसे कोई प्यार करने वाला है, ना तुम्हारे हाथ में हाथ थामने वाला कोई इंसान है, ना कोई इंसान है तुम्हारी इज्जत करता है, ना कोई इंसान तुमसे प्रेम है, या फिर तुमसे एक्चुअल में तुम्हें देख के वो कहता है मेरे को गर्व है तुम्हारे जीवन पे या तुम्हारे तुम्हारे होने पे। यार तुमको अपने पे शर्म आती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है तुम्हारी जिंदगी के डिसीजंस का, तुम्हारे एक्शंस का, कैसे तुमने पैसा कमाया वो पता है। पैसे के भी क्या है, चकाचौंध या मजा, वो भी ट्रांजिएंट है, टोटली टेम्पररी है। अरे इतनी महंगी घड़ी, कितनी बार बोल लोगे, आधा घंटा हो गया घड़ी को देखते हुए, चलो ठीक है 2 घंटे हो गए, अब तो घड़ी घड़ी हो गई ना, हो गई, रखिए फिर वो कोने में, अब वापस अपने आप से मिलो। तो ये सब चीजों का कितना, इसका लॉन्जिविटी में देखो ना, कितने साल कर लोगे, कितने बजे कर लोगे, कितने महीने कर सकते हो, तो मैं लगता है तुम खुश रहोगे। कर ली प्राप्ति पैसे की भाई, कर ली, कर करके घिनौने घटिया काम करके अपनी पूरी आत्मा के परखच्चे उड़ा के कर लिए मैंने 2 करोड़ इकट्ठे और चले गए वापस घर। अब बैठे हैं 20 करोड़ भी हो गए, लेकिन अपनी आत्मा के जो पर खर्चे उड़ाए और जो 20 करोड़ कर तुमने कमा भी लिया अकाउंट में, चलो ठीक है 20 करोड़ से अब मैं कैसे वापस भुलाऊं कि मैंने क्या किया है। दूसरा, जो समाज अब जानता है उसको रिवर्स कैसे करो। तीसरा, तुम जिंदगी में कभी किसी ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हारा जो सर्कल अब इसके बाद बन चुका है वो एकदम ऐसे घिनौने घटिया लोगों का है जो तुम्हें इन सब चीजों में वापस खींचते रहेंगे। जब तुम एक बार खिलौना बन गए तो समाज में तुम जिनके अराउंड हो वो तुम्हें खिलौना कभी भूलने नहीं देंगे कि तुम हो, वो खिलौना ही समझेंगे और कहेंगे तुम वापस आओ ना, अरे तुम खिलौना ही हो, तुम इंसान की तरह कब से एक्टिंग करने लग गए भाई, तुमने वो दर्जा ही खो दिया है। तुमको मांस नोचने वाले घटिया जानवर ही तुम, उनके साथ ही तुम बात कर रहे हो, फ्रेटरनाइज कर रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारा गुट है। और कभी कभी कोई भला समझदार सुशील इंसान मिलेगा, उसको जहां पता चलेगा वो निकल लेगा, कहेगा भाई मेरे पास अगर ऑप्शन है 15 लाइफ में, सिंपल लंदरा, तो मैं ऐसे इंसान के पास मैं क्यों जाऊंगा, मैं पागल हूं, मैं ऐसे जो चॉइसेस किसी ने ले रखी हैं मैं क्यों किसी के साथ अपनी जिंदगी स्पेंड करना चाहूंगा, मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। ऐसे सिंपल से तुम्हें नाइस लोग ऑटोमेटिकली एक्टिवली अवॉइड करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरे मतलब है रिश्तों की बात कर रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में करेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो भेड़िए ही हैं, वो अच्छे नहीं हैं। Anyway, who doesn't love dogs and camels? This, of course, is a sliding scale. The more extreme the encounter, the more money involved. This can get up to 6 figures for a couple business class tickets, a fancy hotel. And of course, cryptocurrency plays a factor here, because if you are one of these girls that's lucky enough, apparently, to land yourself one of these real big whales, chances are they're going to fly you in and out on a private jet. यार तुम किसी के लिए खिलौने हो। ज़िंदगी में मैं किसी भी तरह के पैसे को मैं सोच नहीं सकता, वो कितना भी कितना ऊंचा पायल हो, जो जस्टिफाई हो रहा है विद मींस कि तुम अब इंसान ही नहीं रहे। मैं मान नहीं सकता तुम ऐसे एक्सपीरियंस से वापस आ रहे हो और तुम कंप्लीटली स्कार्ड नहीं हो, क्योंकि अगर मैं पायल एक रख रहा हूं तो मेरे को पता है मेरे को पायल क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ ऐसा करवाना आ रहा हूं जो इतना इनह्यूमन है, जो इतना डीह्यूमनाइजिंग है, जो इतना ज्यादा घिनौना है कि मुझे इतना पायल रखना पड़ रहा है पैसे का तुम्हें कन्विंस कराने के लिए। तो तुम वापस आते वक्त ऐसा नहीं कि तुम कहोगे भाई मैं जिंदगी में कभी भूलने वाला हूं, मेरे ख्याल से मरते दम तक तुम्हारी आत्मा में वो एम्बेडेड रहेगा। तुम वो एक्सपीरियंस चाहे कितनी तुम फिर थेरेपी कर लो या कुछ भी कर लो, तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसा नॉर्मल चीज होएगी नहीं, वो इंसान क्योंकि नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें इतना पैसा देके मुझे तुम्हारी इंसानियत हटानी पड़ रही है उस चीज से। तुमको खुद कन्विंस कर रहा है तुम इंसान नहीं हो, इसलिए इतना सारा पैसा लो और बिक जाओ। तो भाई चाहे कहीं पर भी इंसान स्टे करा दे, चाहे कौन सा होटल वो करवा ले, भाई एक बात बताओ, छोड़ो क्या बात बोलना। So you'll be able to carry your new Louis Vuitton bag with 50 grand in cash in it when you leave. But if you're flying commercial,
that's not going to work. You're going to be stopped and have your money confiscated. Luckily for you, the magic internet money is here. ठीक है तो और दुनिया में कुकर्म करने के लिए तरीके loopholes हमेशा चाहे कोई भी तुम समाज में कितना बदल दो आदमी ढूंढ लेगा. To save the day, simply accept the money in whatever cryptocurrency they want to use, and then you can fly business class back to your country, take a 48-hour long shower, book a therapist, get yourself to a clinic for a checkup, and get back to posting on Instagram with all your nice new luxury goods that were gifted to you in between whatever soul-destroying thing you had to do. Imagine हम किस level के materialism वाले समाज में रह रहे हैं जहाँ पे इंसान को आपने एक पूरी पूरी भीड़ को population को convince करा दिया कि materialism इतनी important चीज है क्योंकि एक आपको convince कराना पड़ेगा. Materialism मतलब क्या है? मियर ऑब्जेक्ट्स. ये ग्लास अगर मैं तुम्हें कन्विंस करा दूं ये 20 लाख का है तो तुम्हारे को अगर हाथ में दिया जाए तो तुम ऐसे उसको पकड़ के करो कि भी क्या यार मैं 20 लाख का सत्य क्या ग्लास है. तो मटेरियलिज्म इसलिए बहुत ही ट्रिकी चीज है. मटेरियलिज्म में आपको मुझे कन्विंस कराना है कि एक इमेजिनरी वैल्यू को पहले मानो. एक शर्ट है उस पर लिख दिया मैंने वर्साची. वो शर्ट एक्चुअल में है सिल्की ही. वही सिल्की शर्ट जो तुम अपने घर पर जाओ या तुम कॉटन ही ले लो. कॉटन है 100% कॉटन की शर्ट. तुम चाहे कहीं पे भी रहते हो मेरे भाई तुमको मिल जाएगी 500 से 1000 से कुछ कितने की भी सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की 1000 रुपए की. लेकिन तुमको कन्विंस कराया जाएगा पहले इमेजिनरी वैल्यू की सेम कॉटन शर्ट की जिसकी असली औकात शायद बनावट बनने में आई है 200 रुपए. तो एक इमेजिनरी वैल्यू पहले बेची जाती है. मटेरियलिज्म का खेल ही पूरा यही है. पूरा खेल यही है. तो उस खेल में जहां आपने एक समाज को इस धुरंधर लेवल पे कर दिया मूर्ख बना दिया तो वो क्या सोच रहा है यही है खुशी. और ये कंप्लीट ऑपोजिट है. कंप्लीट पोलर ऑपोजिट है किस चीज का? मोक्ष के, मेडिटेशन के, ध्यान के. अपने अंदर खुशी है ये है कुल मिला के तुम्हारी ईस्टर्न फिलोसफीज की. तुम्हारा सिंपल क्लेम तुम्हारा खुशी तुम्हारे अंदर है. अपने आपको जानना पड़ेगा. अपने अंदर जाना पड़ेगा. अपने आप को तुम्हें देखना पड़ेगा. खरीदना पड़ेगा. तोड़ना पड़ेगा. पीटना पड़ेगा. लेकिन तुम धीरे 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 अपने आप से जितना गहरा रिश्ता बनाते चले जाओगे तुम्हें पता चलेगा अंदर ही अंदर में खुशी है. उसका पोलर ऑपोजिट हमने क्या कर दिया? आप अंदर कभी जाओ ही मत. अपने आप को पहचानो ही मत. अपनी आत्मा को जानो ही मत. आपके अंदर कुछ भी नहीं है. तुम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो एज लॉन्ग एज तुम्हें हम और चीजें दे सकते हैं. सो तुम क्या बन जाते हो? एकमात्र परसीवर. तुम्हारी इंटेलिजेंस का लेवल है बस कि तुम चीजों को अपनी आंखों से देख पाते हो और परसीव कर पाते हो. और तुम क्या परसीव कर रहे हो? पैसों वाली ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू इमेजिनरी है. वही सेम चीज तुम्हारे एंड्रू टेट भैया भी कर रहे हैं. वही चीज तुम्हारे लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम पे जो मॉडल्स है वो भी कर रही हैं. जितना ज्यादा हम आपको भौतिकता और चकाचौंध में फंसाए रहेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. बट तुम जितना ग्लिटर ग्लिटर में तुम्हें लगता रहेगा कि नहीं नहीं ये बात लगता है इसमें खुशी है एक्चुअल में, तुम उतना बेवकूफ बनते चले जाओगे. बहुत आसान है पर तुम्हें बस मुझे कन्विंस करना है इमेजिनरी वैल्यू में कि खुशी हो. वो एक रील बना के हो जाएगी. इतना ईजी है उसको कन्विंस करना क्योंकि एक्टिंग चाहिए मुझे. 30 सेकंड में तो मैं एक्टिंग कर ही सकता हूं ना. यहां पर जितने भी इंस्टाग्राम मॉडल हैं इनकी तुम असली जिंदगी थोड़ी देख रहे हो. अपने साथ जब अकेले होते तब कैसे सोचते हैं ये? क्या महसूस करते हैं? इनके अंदर आत्मा है भी कि नहीं है? कोई कनेक्शन रिलेशन है कि नहीं है? क्या साइकोपैथी का लेवल है इनका? क्या नार्सिसिज्म का लेवल है? किस लेवल के वल्चर हैं ये? तुम्हें क्या पता? तुम बस मूर्ख बन रहे हो और मूर्ख बनते रहोगे. बहुत आसान है मूर्ख बनाना इंसान को. मैं कहूंगा मोस्ट लोगों को बहुत आसान है मूर्ख बनाना. तो उनको आप बचा भी नहीं सकते. मूर्ख के साथ सबसे खतरनाक बात क्या होती है? मूर्ख को अगर आप बचा भी रहोगे तो आपको चाकू मार देगा. वो जो उसको मूर्ख बना रहा है वो कहेगा ये सही है, नहीं नहीं ये है मेरे को जो बचा रहा है. तुम उसको बचाने आओगे तो तुमको उल्टा गाली बक देगा. मूर्ख की परिभाषा यही है. इसलिए मूर्ख को भाई आप बचा ही नहीं सकते. चाहे उसको कितना समझा लो कहेगा तू वो तेरी बेइज्जती करने लग जाएगा, तेरी इंसल्ट करने लग जाएगा, तेरे चाकू मार देगा. वो जब तक नस्तिनाबूद ना हो जाए कंप्लीटली उसको समझ में नहीं आएगी. और जब नस्तिनाबूद भी हो जाएगा तो वहां पे बैकफायर इफेक्ट लग जाता है क्योंकि आप उसने इतना लंबा इन्वेस्ट कर दिया मूर्ख बनने में कि उसको पता है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मूर्ख बन रहा था तो मेरा अस्तित्व ही टूट गया. तो उसको भी कहीं ना कहीं कुछ जस्टिफाई करता रहेगा मरते दम तक कि नहीं 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 मैं मूर्ख नहीं बन रहा था, अरे यही पथ है, अरे इसी में खुशी है. और है ना खुशी क्योंकि वो इस इल्यूजन को ब्रेक ही नहीं कर सकता वरना उसकी रियलिटी क्रैक कर जाएगी पूरी. क्या कर सकते हैं आप? यही है समाज और यही सच्चाई. बहुत डरावनी है, दुख दुख भरी भी है. लेकिन क्या कर सकते हैं भाई.